हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी टाइम देख सकते हैं 12:10 हुए हैं और अभी नहा के आए हैं और आज संडे है, इस वजह से आज शैम्पू भी हुआ है तो बाल को भी सुखाना है क्योंकि मौसम ख़राब है और ऐसे मौसम में थोड़ा सा ठंडा भी लगता है और बाल भी जल्दी नहीं सूखता है। तो अभी बाकी का सारा काम करेंगे और दोपहर का लंच का जो भी है तैयारी वो आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो आज आपके साथ नहीं शेयर कर रहे हैं। आज संडे है तो दोपहर के लंच में सोचे क्यों ना ये चिप्स जो है ये तल ले और बहुत टाइम के बाद मन हुआ तो छत पे ये कुछ अलग तरीके का पौधा दिखा और इसके बाद अच्छा लग रहा था देखने में तो सोच कर रहे हैं इसका वीडियो बना के आपके साथ शेयर करें। ये किस चीज़ का पौधा है नहीं पता, तो देखने में बहुत अच्छा दिख रहा है ये। और शाम में थोड़ा बहुत टहलना हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं बाबू भी है और हम लोग शाम के टाइम आए थे टहलने के लिए और अभी जा रहे हैं नीचे। कितना महीना में टाइट हो जाता है मम्मी? और गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये दूसरे दिन का वीडियो है जो कि अभी टाइम 7:15 हो रहा है और आ गए अपने रूम में। अभी रूम का जो भी साफ़ सफाई है वो करेंगे और इसके बाद फिर किचन का काम होगा स्टार्ट। तो चलते हैं किचन की तरफ और किचन में आज सब्जी बनाना है आलू और परवल का, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आलू भी उबालना है। तो बाकी सारा काम जो है आलू उबालने के बाद यहाँ पे कर रहे हैं, प्याज काट के रख लेते हैं और मेरा सब्जी जो है परवल वो कटा हुआ है, तो यही है जो काम चल रहा है। और रेसिपी बहुत ईजी है, ये हलवाई के स्टाइल का सब्जी जो है वो बना रहे हैं। आलू को उबाल के और परवल को अच्छे से तेल में पहले फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर हो जाएगा सब्जी रेडी। तो आपके साथ थोड़ा बहुत रेसिपी जो है वो भी शेयर कर देंगे। टाइम देख सकते हैं 9 बज चुका है और मेरा सब्जी जो है रेडी हो रहा है और यहाँ पे आलू जो है उसको भी फ्राई करेंगे और परवल जो है पहले से फ्राई कर लिए हैं वो आपके साथ नहीं शेयर कर पाए, तो यहाँ पे आलू को भी अच्छे से फ्राई करना है और उसके बाद कढ़ाई से आलू को निकालने के बाद इसी में तड़का डालेंगे तेल के साथ, तेज़पत्ता और खड़ा गर्म मसाला जीरा ये सब डालने के बाद थोड़ा फ्राई करेंगे और इसके बाद जब ये सब थोड़ा गोल्डन हो जाए उसके बाद इसमें डाल देंगे प्याज और प्याज को भी अच्छे से फ्राई करना है ये भी गोल्डन ब्राउन होने तक, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो प्याज को मीडियम फ्लेम पे करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे प्याज फ्राई हो चुका है, बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं शूट कर पाए तो इसमें बाकी सारे जो मसाले नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं वो डालेंगे और उसके बाद मसाले को फ्राई होने के बाद इसमें आलू और परवल दोनों को डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो सब्ज़ी हो गया मेरा रेडी और देखने में देख सकते हैं अच्छा दिख रहा है और मेरा काम निपट गया और यहाँ पर टाइम 10:30 से ज़्यादा हो रहा है, तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पंखे में अभी थोड़ा सा ठंडा आएंगे और उसके बाद फिर मेरा नहाना होगा और तब तक आपके साथ शेयर कर रहे हैं बाहर का मौसम। देख सकते हैं दोपहर का टाइम है लेकिन बारिश की वजह से कुछ पता नहीं चल रहा है और बादल पूरा छाया हुआ है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।